हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी टेट फाइनली उसकी जो डेट है, ठीक है ना, एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो आ चुकी है। वो जो पेपर है आपका फरवरी के एंड में या मार्च की स्टार्टिंग में हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूपी टेट का जो लेवल होता है क्वेश्चन पेपर का, वो बहुत मतलब तगड़े वाले लेवल का होता है। तो इसीलिए हम भी आपके लिए यहाँ पर जो इंट्रोडक्टरी वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि उसका जो सिलेबस है वो क्या है, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही सही दिशा में जाए, और हम कैसे उसमें प्रोसीड करेंगे। और आपके लिए हम नए नए कोर्सेज भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपका यूपी टेट भी है, और यूपी टेट का जो कोर्स है वो हम आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, और बहुत ही संक्षिप्त रूप से आपको जो सारे विषय हैं वो करवाएंगे, जिसमें नई नई युक्तियां भी आपको समझाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो यूपी टेट है उसमें हिंदी सब्जेक्ट जो है, हिंदी भाषा, वो कंपल्सरी है, और उसमें हिंदी जो है वो बहुत तगड़े लेवल की भी आती है। तो इसलिए हिंदी की तैयारी करने के लिए अपनी जो कमर है वो कस लीजिए। चलिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बात करूं सिलेबस की, कि हिंदी भाषा का जो सिलेबस है, और आप सभी जानते हैं कि इसमें पेपर वन में भी 30 प्रश्न आते हैं और पेपर टू में भी 30 प्रश्न आते हैं। जो आपका पेपर वन है वो आपका प्राइमरी लेवल का होता है, और जो पेपर टू है वो सेकेंडरी लेवल का होता है। लेकिन कठिनाई का स्तर दोनों में ही, मतलब कि जैसे मुझे लगता है कि समान रूप से ही होता है, बहुत अच्छे वाला कठिनाई का स्तर होता है। तो तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें तीन भाग होते हैं। देखिए, व्याकरण, साहित्य और पैडागॉजी, ये हर पेपर में नहीं होता। पैडागॉजी और साहित्य हर पेपर में इंक्लूडेड नहीं होता, लेकिन यूपी टेट में ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं वो आपकी इंक्लूडेड है। और इसमें जैसे पैडागॉजी का तो एक जैसे लिमिटेड सिलेबस है, उसकी तैयारी आपकी हो जाती है। व्याकरण का तो आपको पता ही है, हम डेली लाइव सेशंस लेते हैं, वो आप अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन जो आपकी नैया जो फंसती है, वो फंसती है साहित्य में, क्योंकि अगर आप अभी सिलेबस देखेंगे, हम आपको सिलेबस दिखाएंगे भी, तो सिलेबस में जस्ट इतना दिया होता है कि हाँ, जो लेखक हैं और उनकी रचनाएं, बस इतना सा लिखा हुआ है। लेकिन जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, 2021 का जो पेपर था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो उसके अगर मैं आपको एक दो प्रश्न अभी करवाऊंगी, तो आप देखेंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, विविधता क्या होती है, कठिनाई का स्तर क्या होता है। तो इन तीनों चीजों पर हमें बहुत ही महारत हासिल करनी है, और उसके लिए आपका हमारे साथ जुड़े रहना बहुत ही आवश्यक है। चलिए जी, वैसे मैं आपको बता दूं, टीचिंग परीक्षा ऐप भी है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। बहुत से उसमें ऐसे सेशंस हैं जो आपके लिए टोटली फ्री हैं, जैसे योगा सेशन भी है, हमारे रिवीजन सेशंस भी हैं, पीडीएफ्स जो हम आपके लिए लाइव सेशंस लेते हैं उनके पीडीएफ्स हैं, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। तो इस चीज़ का आप बहुत बहुत लाभ जो है उठा सकते हैं। साथ ही साथ अब जो मॉक टेस्ट पेपर्स हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं और आगे भी करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पर, उसमें भी हमारे कुछ मतलब जो ऐसे कोर्सेज हैं जो कि विदाउट सॉल्यूशन है, और कुछ विद वीडियो सॉल्यूशंस, क्योंकि वैसे पेपर पर तो आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन वीडियो सोल्यूशन जो होता है उसकी एक अलग ही बात होती है, उसमें आपको और ज्यादा डिटेल जो है वो पता चलती है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप विदाउट वीडियो सोल्यूशन ये लेते हैं हमारे मॉक टेस्ट पेपर्स की सीरीज, तो आपको केवल और केवल 99 रुपए में पड़ेगा, और अगर आप वीडियो सोल्यूशन के साथ लेते हैं तो केवल और केवल 149 रुपीज का, केवल इतने से रुपए में आपको जो मॉक टेस्ट पेपर की सीरीज है आने वाली भी, वो आपको सारी की सारी अवेलेबल हो जाएंगी। तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर हो सकता है, और आपकी तैयारी के लिए भी, जैसे कहते हैं ना कि परीक्षा देते रहेंगे, ठीक है ना, डमी जो परीक्षा है वो देते रहेंगे, तो मेन परीक्षा के लिए तैयार हो ही जाएंगे। चलिए जी, अब अगर आते हैं हम सिलेबस पर जो इसकी वेबसाइट पर दिया गया है, तो देखिए व्याकरण और अगर मैं साहित्य की बात करूं, तो जैसे मैंने आपको बताया था साहित्य में, ये देखिए सबसे अंत में कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, सिर्फ यहां पर इनका जो सिलेबस है ना साहित्य का, वो खत्म हो जाता है, लेकिन प्रश्न जो है वो वहां पर समाप्त नहीं होते, वो हम आपको भी आगे बताएंगे एक ट्रेलर देकर। उसके बाद है जैसे व्याकरण, व्याकरण का अगर आप सिलेबस देखें तो जैसे अपठित अनुच्छेद, ठीक है ना, तो ये आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये पहले इतना नहीं आता, लेकिन आजकल बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर आने लगा है, और इसमें आपकी पोएम भी हो सकती है, पैसेज भी हो सकता है। और इसमें जो है कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है, अगर वो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देखें तो केवल व्याकरण के ही प्रश्न आते हैं, वो तो हम बिना अनुच्छेद पढ़े भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, याद रखिए ये यूपी टेट का एग्जाम है, इसमें आपको बहुत अभ्यास की आवश्यकता होगी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो सीधे सीधे गद्यांश पर आधारित होते हैं, तो उसको भी कैसे हल करना है कम समय में, ठीक है ना, उसकी सारी जो ट्रिक्स हैं वो हम आपको बताएंगे। फिर देखिए, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु में अंतर, हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन, कहने का तात्पर्य दिखाने में इतना बड़ा है कि मतलब स्वर और व्यंजन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। फिर है जैसे वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, ये भी सिर्फ जैसे कहते ना दिखाने के लिए कठिन है। क्या है, देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या है कि हिंदी मुश्किल नहीं है, बस हमें उसकी केवल आदत नहीं है, क्योंकि अब हर जगह जब भी हम मतलब जैसे सोशल मीडिया पर जाते हैं तो अंग्रेजी भाषा की थोड़ी सी आदत हो गई है हमें,
ठीक है ना। हालांकि उसका भी अभ्यास करना आवश्यक है क्योंकि पेपर में वो भी आएगी, लेकिन हिंदी का जो अभ्यास है वो आपको इसलिए करना है कि आपको उसकी दोबारा से मतलब कि आदत हो। सरल बहुत है, समझ आप आसानी से जाएंगे, लेकिन बस जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, वो कहते हैं ना फिर तो सरल चीज भी कठिन ही लगेगी। आगे है लोकोक्ति और मुहावरे, और आई गेस आपको पता है लोकोक्ति और मुहावरे के बिना हिंदी व्याकरण की कोई भी परीक्षा जो है वो अधूरी ही रहती है। कोई भी आप परीक्षा उठा के देख लीजिए, मुहावरे लोकोक्ति से प्रश्न अवश्य आते हैं। फिर आता है आपका संधि समास और वाक्य रचना। भाई संधि समास से तो प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। अब आप जानते हैं कि जैसे संधि है, समास है, और संधि के ही आधार पर उपसर्ग प्रत्यय के भी प्रश्न होते हैं, क्योंकि सभी के जो लॉजिक्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। अब स्वरों और व्यंजनों की पहचान जब तक नहीं होगी कि जैसे छोटी ई और बड़ी ई होने से वर्तनी में परिवर्तन आ जाता है, जो स्पेलिंग्स होते हैं, और उससे अर्थ में कितना परिवर्तन आ जाता है, और उससे संधि में कितना परिवर्तन आ जाता है, तो ये सारी चीजें जो है इंटरलिंक्ड है। सारे ही टॉपिक्स जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फिर आप और संयुक्त अक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, फिर वही चीज स्वर व्यंजन पर ही आ गए। फिर सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, कभी कभी स्टूडेंट हिंदी व्याकरण की तैयारी करते करते विराम चिन्ह भूल जाते हैं। अब जैसे अंग्रेजी में तो हमें अच्छे से पता है ये कॉलन है, ये कॉमा है, ये फुल स्टॉप है, ये सेमी कॉलन है, ठीक है ना, ये स्लैश है, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं आप जानते हैं स्लैश को क्या बोलते हैं? चलिए ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए कार्य छोड़कर जाती हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाइएगा कि जैसे जो फुल स्टॉप है उसे तो हम कह देते हैं पूर्ण विराम, स्लैश को क्या कहते हैं हिंदी में, वो जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखकर जरूर जाइएगा अपना उत्तर। देखते हैं हम भी कितने पानी में हैं। फिर विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, इसमें आपके आ जाते हैं शब्द युग्म, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। अब श्रुति संभिन्नार्थक, नाम जितना लंबा है ठीक है ना, उसका अर्थ उतना ही छोटा सा ही है, कि जो सुनने में समान से लगे लेकिन उनका अर्थ जो है वो भिन्न हो। जैसे कि समान और सामान, समान और सामान में केवल आ की मात्रा का अंतर है लेकिन अर्थ बिल्कुल भिन्न है, यही होते हैं आपके शब्द युग्म। आगे देखिए वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, वही चीज मतलब रिपीट कर करके सिलेबस वही है, मेन बात क्या है आपको अभ्यास करना है। आगे देखिए अब पैडागोजी की बात, अगर हम आए भाषा विकास का अध्यापन, तो हिंदी पैडागोजी की बात करें, देखिए सीडीपी का जो है वो टीचर आपको, स्पेशलाइज्ड जो टीचर है हमारे, वो आपको डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशन बताएंगे, लेकिन यहां मैं अगर हिंदी पैडागोजी की बात करूं तो देखिए जैसे है कि अधिगम और अर्जन, यहीं से प्रारंभ होता है कि भाषा का अधिगम यानी कि भाषा को सिखाना, ठीक है ना, और मतलब सीखना, और अर्जन कि आप कैसे एक्वायर करते हैं अपने आप ही। उसके बाद है जैसे मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए, संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन, इसके लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि व्याकरण शिक्षण की विधियां बहुत सारी होती हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। फिर देखिए अब जैसे है आपका भाषा कौशल, इस पर तो बहुत प्रश्न आते हैं। फिर सबसे एंड में देखिए उपचारात्मक शिक्षण, और बाकी ये जो बीच में सारे हैं ना, ये भाषा कौशल को ही थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं जैसे आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि जैसे वेबसाइट पर आप जाएंगे और यूपीडेट का सिलेबस देखेंगे तो आप घबरा मत जाइएगा, चिंता मत करिए, हम आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही शीघ्रता से ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो कवर करवा देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको इनमें महारत हासिल हो गई, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, हिंदी में आपका एक भी मार्क्स हम कटने नहीं देंगे। आगे देखिए अब अगर मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर दूं, केवल 3-4 प्रश्न हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब व्याकरण का तो मैंने आपको बता दिया, जिसको आता है उसके लिए सरल है, जिसको नहीं आता उसके लिए कठिन है, लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य, वहां पर सिलेबस में क्या लिखा हुआ था कि केवल लेखक और कवियों की रचना, ठीक है ना, लेकिन आप प्रश्न देखिए और क्वेश्चन नंबर भी मैंने लिखा है कि अगर आप चेक करना चाहें, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या मॉरिशियस। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इसका जो सही उत्तर है वो है चौथा विकल्प, मॉरिशियस। कभी आपने सोचा भी था कि वहां पे हिंदी का प्रयोग मतलब लिखने और बोलने में किया जाता है, जबकि ऐसा मतलब सोच भी नहीं सकते हैं जबकि ऐसा होता है। अब क्या है देखिए, भारतीय मूल के जो लोग हैं ठीक है ना मॉरिशियस में, वो कुल आबादी के आधे से अधिक हैं, 50% से ज्यादा वहां पर मतलब जो भारतीय रहते हैं। फिर मॉरिशियस की जो राजभाषा है, अब राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है और उपभाषा क्या होती है, इन सभी की जो जानकारी है वो आपकी पैडागोजी और आपके साहित्य में मतलब शामिल होती है, और ये सारी चीजें हम आपको डिटेल में करवाएंगे। फिर उनकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है और फ्रेंच की मतलब लोक प्रेम है, लेकिन हिंदी जो है वो भी एक महत्वपूर्ण और सशक्त भाषा है, क्योंकि देखिए आबादी का आधे से अधिक है भाई वहां पे भारतीय लोग, और इसलिए पत्र पत्रिकाओं तथा साहित्य का जो प्रकाशन है वो हिंदी भाषा में किया जाता है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा, केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में।
उसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न, सूर सागर किस भाषा की रचना है? अब हाँ, ये रचना पर आ गया देखिए, लेकिन अब सूर सागर किस भाषा की रचना है? और याद रखिए, जहां पर भी सूरदास आ जाए या सूर सागर, आप याद रखिएगा वो कृष्ण काव्य से संबंधित होता है, और जहां पे कृष्ण काव्य आ जाए वहां पे ब्रजभाषा, ठीक है ना, तो ब्रजभाषा आ जाती है। तो सही उत्तर आपका पहला विकल्प है। और इसी प्रकार से आसानी से हम आपको साहित्य में ये सारे जो कवि हैं उनकी रचनाएं हैं वो भी आपको अच्छे से रटवा देंगे, चिंता बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, जैसे वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है? तो ये आपका जो सही उत्तर था, कोशिश आप कीजिएगा, लेकिन इसमें मतलब कि हम आपको अभी बता रहे हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान और रामधारी सिंह दिनकर। अब क्या होता है ना, देखिए हर कवि या लेखक का ना अपना एक तरीका होता है लिखने का, जैसे प्रयोगवादी, छायावादी, आपने ये सब सुना होगा, लेकिन ये क्या होता है एक्चुअल में, इसे हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और जैसे ये जो है वीरों का कैसा हो वसंत, जिसमें वीर रस है, और हाँ सिलेबस में मैं एक चीज तो बताना भूल ही गई, यहां पर हिंदी व्याकरण में आपको अलंकार, काव्य रस, ये सब भी सम्मिलित है, तो इसलिए कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं। तो इसलिए विषय बहुत अधिक है, समय थोड़ा कम है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके यहां पर हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ना प्रारंभ कर दीजिए। फिर देखिए, अब जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान जी है ना, ये उनका है मतलब तरीका कि वो वीर रस में थोड़ा सा अधिक लिखती है अपनी रचनाएं, तो इसलिए वीरों का कैसा हो वसंत ये आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ही लिखी है। और साथ ही साथ उनकी थोड़ी अन्य रचनाएं क्या क्या है, जीवन फूल, झांसी की रानी की समाधि पर, झिलमिल तारे, जलियांवाला बाग में बसंत, तो देखिए सारी वीर रस से परिपूर्ण है। और आगे भी जो हम आपको जैसे प्रश्न देंगे, कोर्स आपको देंगे, उसमें हर सेशन में भी, हर कोर्स के वीडियो में हर प्रश्न जो है वो हम आपको डिटेल में समझाएंगे। केवल ऐसा नहीं कि ये जो प्रश्न है इसका उत्तर बस इतना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर जो मतलब उत्तर है उसके साथ जुड़ी हुई जो जानकारी है वो भी हम आपको देंगे, परीक्षा में कुछ भी आ सकता है। आगे देखिए, अब जैसे पेडागोजी का प्रश्न, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? मौखिक अभिव्यक्ति, तो श्रुतलेख, सुलेख, शुद्ध वर्तनी या आशुभाषण। अब देखिए, श्रुतलेख लिखना होता है हमें, सुलेख भी लिखना ही होता है, तो उसमें मौखिक अभिव्यक्ति का इतना वो नहीं है। शुद्ध वर्तनी, अब जैसे हम वैसे तो कहते हैं कि जितना शुद्ध उच्चारण होगा उतने ही शुद्ध आपकी मतलब लेखन में वर्तनी होगी, लेकिन वही कि वर्तनी में भी आपको लिखना तो पड़ेगा ही, लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है आपका आशुभाषण। आशुभाषण क्या होता है कि जैसे आपने मतलब अभी कोई तैयारी नहीं की है, बस आपको टॉपिक दिया गया, आपने इमीडिएटली उस पर कोई शॉर्ट सा मतलब भाषण दे दिया, वो कहलाता है आपका आशुभाषण। तो इसलिए आपका सही उत्तर था डी ऑप्शन। तो चलिए फिर, मुझे लगता है कि एक छोटा सा आपको ट्रेलर मिल गया है कि यूपी टेट में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। साहित्य, व्याकरण, पेडागोजी, सभी का सम्मिलित रूप होगा आपका यूपी टेट का पेपर। तो इसलिए हमारी जो टीचिंग परीक्षा ऐप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे, बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेशंस भी मिलते रहेंगे। वो कहते हैं ना, ज्ञान तो चाहिए लेकिन ज्ञान अर्जन के लिए भी आपका मन का स्वस्थ रहना, तन का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। तो वहां पर आपको योगा सेशंस भी मिलेंगे, ठीक है ना, आपकी जो क्वेरीज हैं आप पूछेंगे एट ए टाइम, आपकी क्वेरी सॉल्व भी होंगी, और साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट पेपर हम आपके लिए रेगुलरली लेकर आएंगे विद और विदाउट सॉल्यूशन, वो भी आपके सामने है उनकी डिटेल्स। तो इसलिए फिर अगर आपको हमारा ये जो वीडियो है वो पसंद आए, और अगर आपको हमारे जो तरीका है, ठीक है ना, वो पसंद है कि हम किस प्रकार से आपको यूपी टेट का जो कोर्स है उसकी तैयारी करवाएंगे, तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी कि किस किस विषय की जो क्लासेस हैं वो कब कब होंगी। तो चलिए फिर, और हमारे साथ आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, हमारा लोगो आपके सामने है, हमारी आईडी आपके सामने है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर भी आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ये आप अपने लिए भी लाइक कर रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी अपेक्षाओं पर हम खरे उतरें, क्योंकि जो सेशंस है वो हम आप ही के लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए जी, तो इसी के साथ हमें विदा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।